जा सकता वो क्लास में टॉप आएगा। उसका उदाहरण आपके सामने है कि श्री कृष्ण भगवान ने श्री कृष्ण भगवान के तीन माताएं थी, एक माता वो जिसने गोद दी देवकी जी, एक माता वो जो गोद दी यशोदरा जी, और एक विष्णु को जिन्होंने गीता के संदेश से संदेश दिया। ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति जो बने वो केवल गाय के दूध के कारण। बच्चा फेल हो जाएगा क्यों नहीं पढ़ेगा, एक बार पढ़ने में ठीक हो जाएगा। उसका उदाहरण है बचिया और वो कूदने लग जाएगा, और जब भैंस का बछड़ा पे आता पिएंगे गाय का दूध ही। नाम पूछे जी गौ धाम के कार्यक्रम में ऐसा है कि वो जो सतीश उनकी टीम ने पूरी दिन चलाया है उसका यह दूसरा वार्षिक कार्यक्रम था। इस वार्षिक कार्यक्रम में हम सब लोग आए थे और इस वार्षिक कार्यक्रम में जो अभी गऊओं की ये चिकित्सा कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय काम है, और इनके पास एम्बुलेंस भी है, जहाँ भी खबर मिलती है वहीं से ये लाते हैं। तो ये ऐसा अच्छा काम गौसेवा का ये कर रहे हैं, और गौसेवा आयोग भी इनको समय समय पर मदद देता रहा है और देगा। और आज भी हमने इन्होंने एक शेड की इन्होंने कमी बताई, उसके लिए हमने एक शेड देने का इनको घोषणा की, एक भी एक शेड हम और देंगे। और अब गऊओं की सेवा हमारे करनाल से हम बहुत काम शुरू कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा पिछले महीने में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जेल में भी एक गौशाला की आधारशिला रखी थी और उसका काम शुरू हो गया है। इस तरह अब पहला हम करनाल जेल में ये गौशाला खोल रहे हैं, और इसका कामयाब होने के बाद इस तरह की हम अगले साल में 6 जेलों में गौशालाएं खोलेंगे। सड़कों पर जो गौ हैं उनके लिए भी हमने सारी योजना बना के तैयार है, वो हमारी चल रही है कार्यक्रम। और उसमें हम जो है 2 अक्टूबर से पहले पूरे हरियाणा को बेसहारा गोवंश से मुक्त कर देंगे। वो पिछले हमने 15 अगस्त का समय दिया था लेकिन किन्हीं कारणों से वो कार्य नहीं हो पाया, लेकिन अब करनाल में भी वो कार्य शुरू हो गया है, तेज़ी से चल रहा है। हमने उसके लिए ADC के नेतृत्व में कमेटी बनाई है, और वो कमेटी सरकारी तौर पर गऊओं को यहाँ से उठाएगी, और हमारे आयोग के सदस्य आयोग जिन जिन गौशालाओं की सूची देगा उन गौशालाओं में उन बेसहारा गोवंश को भेजेंगे। उनके हमने सब पैसे देने का, उन रखरखाव का, उनका सबका समाधान हमने उन सब गौशालाओं को किया है, और हमने गौशालाओं को आह्वान किया है कि हर गौशाला स्वावलंबी बने, और स्वावलंबी बनने के लिए गोमूत्र से गोबर से वो जो जो चीज़ें बनाएंगी, चाहे गोबर से वो डंडे बनाने की मशीन लें, गोबर से दीवे बनाने की मशीन लें, गोबर से गमले बनाएं, गोबर से धूप बत्ती बनाएं, उन सब के लिए आयोग जो है 90% अनुदान देगा। इसी तरह के मूत्र से भी अगर वो मतलब फिनाइल बनाएं या गोवर्क बनाएं या कीटनाशक दवाइयां बनाएं और भी कोई चीज़ बनाएंगे, उन सब पे हम 90% अनुदान देंगे। और अभी हमने घोषणा की है कि पूरे प्रांत में सोलर ऊर्जा हम गौशालाओं में 10% लेकर के सभी में लगवाएंगे। वो योजना हमारी बिल्कुल मुख्यमंत्री जी ने पास कर दी है और फाइनेंस से भी निकल गई है, और मैं समझता हूँ अगले महीने से वो काम हम शुरू करेंगे। और इसके अलावा भी जो जो भी हमारी गौशालाओं में जो जो डिमांड है, जो जो कमियां हैं, उन सबको दूर कर रहे हैं, उनके लिए आयोग की तरफ से पूरी मदद उनको दी जा रही है। और हम गोबर गैस प्लांट की भी हमने योजना बना रहे हैं, पूरे गौशालाओं में गोबर गैस प्लांट लगा के उसकी मीथेन से कहीं LPG बनाएंगे, कहीं हम CNG बनाएंगे, कहीं हम बिजली बनाने, इस काम करके ताकि वो आत्मनिर्भर। गौ धाम में कार्यक्रम था द्वितीय। देखिए जब से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मनोहर जी की अगुवाई में बनी है, गौ रक्षा और गौ संवर्धन दोनों मोर्चों पर हमने उल्लेखनीय काम किए हैं। गौशालाओं की स्थिति बेहतर बने इसके लिए दिन रात हमारा गौ सेवा आयोग काम कर रहा है। हरियाणा की विधानसभा में मनोहर जी के नेतृत्व में एक ऐसा सख्त गौ रक्षा का कानून भी हमने पारित किया जिससे हरियाणा से होकर गौ की तस्करी करना अब वो आसान काम नहीं रह गया है। हम ये नहीं कहते कि नहीं हो रही होगी, चोरी चकारी तमाम सख्त कानूनों के बावजूद होती है, लेकिन सरकार की ओर से जिसे कहते हैं मजबूत व्यवस्था चौकीदारी की निगरानी की इस दिशा में की गई है। एक काम और जो बेहतर हुआ है प्रदेश में, पहले देसी गाय का दूध A2 दूध जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत बेहतर है वो मिलता नहीं था, यानी हमारी जो सरकार की जो दुग्ध की संस्था है वो नहीं बेच रही थी, वो लोगों को उपलब्ध नहीं करा रही थी। तो वीटा के माध्यम से A2 दूध अब हरियाणा में चंडीगढ़ में वो देसी गाय का दूध मांगने वालों को, तलाशने वालों को वो उपलब्ध है, और वो दूध उपलब्ध है यानी प्रदेश के स्वास्थ्य की रक्षा में हम इस माध्यम से योगदान दे रहे हैं। क्योंकि A2 दूध को तमाम वैज्ञानिकों ने अब ये कहना शुरू कर दिया कि वो किसी भी प्रकार के दूसरे दूध की तुलना में सेहत के लिए बहुत अच्छा है,
और कई जो आधुनिक जीवन से जुड़ी बीमारियां हैं, चाहे वो हाइपरटेंशन हो, चाहे हार्ट से जुड़ी दूसरी समस्याएं हों, उनको रोकने में, उनकी रोकथाम में या उनसे बचाने में वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। पूरे प्रदेश में ये समस्या अभी भी कहीं कम कहीं ज़्यादा है, इस बात को स्वीकार करने में हमको कोई संकोच नहीं है, लेकिन इस सरकार ने अब तक के अपने कार्यकाल में बड़ी संख्या में जो बेसहारा गौएं हैं उन्हें गौशालाओं में पहुंचाने की व्यवस्था की है, और हमारा संकल्प है कि प्रदेश के सब जिलों को आने वाले कुछ महीनों के भीतर, जो गौसेवा आयोग ने भी तैयारी की है, संबंधित जिलों के जिला प्रशासन भी इस दिशा में लगे हुए हैं, जो बेसहारा गौएं सड़कों पर हैं उनसे मुक्त करके गौओं को उनके सम्मानजनक स्थान पर पहुंचाएंगे और सड़कों को भी जो हमारे नागरिक हैं उनके लिए अधिक सुरक्षित हम लोग बनाएंगे, इस काम में लगे हुए हैं। समाज का भी सहयोग इसमें हमको चाहिए। जब गाय के दूध की डिमांड बढ़ेगी, जैसे हमारे चौहान साहब ने कहा, तो लोग गाय पालेंगे। हम ये प्रेरणा ले सकते हैं कि गाय के पंचगव्य से जाए। अभी हमारे यहाँ भी गोरख बन रहा है, हमारे यहाँ जो है उसकी दवाइयाँ कई बढ़ रही है, गाय के गोरख से, गोमूत्र से कैंसर तक की इलाज के, गाय की जो है जब हमारा कोई भी त्योहार हो, कोई भी अच्छा अवसर हो, उस पे हम बोलिए बाकी बिहारी नाम लिखी